दिवस। आज मैं बनाने वाली हूँ राखी पे काजू की कतली, जो बनाना बिल्कुल आसान होगा और टेस्टी भी। मार्केट में मिठाइयों में बहुत सारी मिलावटें आजकल आ रही है, अगर हम घर पे बनाएंगे तो स्वादिष्ट भी बनेगी और हेल्दी भी होगी। और वैसे भी काजू कतली बनाने में कोई मेहनत का काम नहीं है, बहुत आसान रेसिपी है काजू की कतली बनाना, ना ही मेहनत लगेगा और ना ही टाइम लगेगा। तो आज की रेसिपी शुरू करते हैं काजू की कतली बनाना। काजू कतली बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कटोरी भर के काजू ली हुई है और आधी कटोरी चीनी है और दो चम्मच दूध पाउडर का इस्तेमाल करूँगी और चार हरी इलायची है। बस इतना ही सामग्री से हम काजू कतली बनाएंगे। काजू को मिक्सी जार में डालेंगे और इसका एकदम बारीक पाउडर बना लेंगे। इसी में मैं हरी इलायची के बीज को डाल दूंगी, खोल के साथ में पीस जाएगा। हरी इलायची के बीज को भी डाल लेंगे। इस तरह से हमने काजू को बारीक ग्राइंड कर लिया है, पाउडर बना लिया है इसका। अब इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। गैस पे मैंने कढ़ाई चढ़ाई हुई है और चीनी को ऐड करेंगे। तो इस कटोरी से मैंने आधी कटोरी चीनी ली है, तो उसकी भी आधी मैंने पानी रखी है। तो जिस कटोरी से आप चीनी लें उसका आधा आप पानी डालें। तो इसे मिक्स करते हुए चीनी घुलने तक फ्लेम को लो रखेंगे। इसे बराबर मिक्स करते हुए चीनी को घुलने तक पकाएंगे। काजू कतली बनाने के लिए एक तार की चाशनी चाहिए। जब तक हमारा चाशनी तैयार हो रहा है तब तक एक प्लास्टिक मैंने नॉर्मल लिया हुआ है, जो हम लोग कपड़ा खरीदते हैं उसमें मिलता है, वही वाली प्लास्टिक है। मैंने किनारी को कट करके लिया हुआ है। अब इसमें घी डाल करके अच्छे से लगा लेंगे प्लास्टिक में। चीनी जो है किनारे किनारे में सूखने लगता है, तो इसको पलटे की सहायता से इस तरह से चाशनी को धीरे धीरे उठा उठा करके चाशनी के अंदर चीनी को इस तरह से छोड़ा लेंगे सबको किनारे से। अब ये जाली जाली सा बनने लगा है, मैं एक बार फिर से देख ले रही हूँ चाशनी को। अब ये चाशनी बिल्कुल रेडी है। अब गैस को एकदम लो कर लेंगे। फ्लेम को हमने लो कर लिया है। अब इसके अंदर काजू का पाउडर डालेंगे और लो फ्लेम पे ही इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। अब दो चम्मच मैंने जो रखी हुई थी पाउडर का दूध, उसे ऐड करूंगी। इससे बढ़िया टेक्सचर के साथ साथ स्वाद भी आएगा। काजू कतली मिठाई बनाना बिल्कुल सिंपल है। सबसे अगर आसान कोई मिठाई है बनाना तो काजू कतली है। इससे आसान और कुछ हो नहीं सकता है। लो फ्लेम पे ही 3 से 4 मिनट इसे अच्छे से पकाएंगे। लो फ्लेम पे पकते हुए 4 मिनट हो गया है। अब इसे हम चेक करेंगे एक प्लेट में डाल करके, थोड़ी सी इस तरह से लेंगे और इसे इस तरह से इकट्ठा हो करेंगे थोड़ा सा ठंडा करने के बाद। तो ये अच्छे से इस तरह से गोली जैसा बन रहा है। बस हमारा मिश्रण एकदम तैयार है काजू कतली बनाने के लिए। अब गैस को ऑफ करेंगे और इसे थोड़ा सा इसी में चलाएंगे लगभग 2-3 मिनट कढ़ाई में ही। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच घी, शुद्ध घी, और घी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बंद गैस पे मैंने 2-3 मिनट इसे और चला लिया है। ये थोड़ा ठंडा हो गया है। अब इसे प्लास्टिक के ऊपर निकालेंगे जिस पर मैंने घी लगा कर रखी हुई है। और जल्दी जल्दी प्लास्टिक से इस तरह से जैसे आटा गूंथते हैं ना, उसी तरह से हम इसे प्लास्टिक के ऊपर ही रख के इस तरह से करके गूंथने जैसा करेंगे। ये करना बहुत जरूरी है, तभी हमारा काजू कतली में एकदम स्मूथनेस आएगा, सॉफ्ट बनके तैयार होगा हमारा काजू कतली। अब ये अच्छे से मिक्स हो गया है। हाथ पे थोड़ा सा घी लगाएंगे। ये थोड़ा ठंडा भी हो गया है, एकदम ठंडा नहीं हुआ है पर हाथ इसमें अच्छे से आ रहा है। तो इस तरह से इसे हम जैसे आटा का डो तैयार करते हैं ना, उसी तरह से इसे चिकना करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा और घी लगा लेंगे इस तरह से। कोशिश करेंगे इसे हम स्क्वायर में बेले,
पहले हाथ से इसको अच्छे से शेप दे देंगे स्क्वायर का। अब इसे बेल लेंगे, तो जितना हमको मोटा रखना होगा उतना ही इसे मोटा या पतला अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब ये परफेक्ट साइज में बेल ली है मैंने इसको। अब इसके ऊपर चांदी का वर्क लगा लेंगे। अब मैंने इसमें चांदी के वर्क लगा लिया है और मेरे लिए सबसे टेंशन का काम यही होता है किसी भी मिठाई पे चांदी का वर्क चढ़ाना, तो जैसे तैसे मैंने लगा लिया है। अब इसकी कटिंग करेंगे। काजू कतली की कटिंग करने के लिए मैं यहाँ पे स्केल का इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे हमारा जो काजू कतली है एकदम परफेक्ट शेप में कटेगा। तो स्केल रखते जाएंगे और इसी से माप माप कर काटते जाएंगे। एक तरफ से काजू कतली की कटिंग हो गई है पूरी। अब मैं दूसरी तरफ से इसकी कटिंग करूंगी और जैसे ही मैंने स्केल हटाया सारा के सारा जो चांदी का वर्क था स्केल में आ चुका है, आप देख सकते हैं। अब इसे दूसरी तरफ से काट लेंगे, सेम स्केल रख के माप करके ही काटेंगे ताकि एकदम परफेक्ट शेप में कटे काजू कतली। तो साइड से लगाएंगे इसे, लंबाई में अब नहीं लगाएंगे, ऐसे ही रख के साइड से काटते जाएंगे। तो दूसरी तरफ से भी काजू कतली की कटिंग हो गई है पूरी। अब मैं निकाल करके दिखा रही हूँ इसे। अगर हम स्केल से माप करके काजू कतली काटते हैं तो एक बराबर कटिंग होती है। देखिए कितना अच्छा कटा है। अब मैं सबको निकाल करके प्लेट में रखूंगी, सर्व करने की बारी है तो सर्व करेंगे, सबको खिलाएंगे मिठाई। रक्षाबंधन पे मैं मिठाई बना रही हूँ काजू कतली। काजू कतली हमारा एकदम परफेक्ट बना है, मैंने अपने हिसाब से इसे एकदम परफेक्ट बनाया है। अगर आप दूसरे तरीके जानते हो तो मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा, मुझे आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा। यहाँ पे मेरी ढेर सारी काजू कतली बन के तैयार हो गई है। रक्षाबंधन पे मैंने काजू कतली बनाई है और भी मैं मिठाइयाँ बनाऊंगी, सबको मैं शेयर करूंगी। अगर मेरे बनाने के तरीके अच्छे लगे तो जरूर बनाइए इस काजू कतली को राखी पे और हमें बताइए आपको कैसा लगा। अगले रेसिपी के साथ मिलती हूँ, बाय।